भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी से जो 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू हो रही है, तो उसके लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सरफराज खान की वापसी हुई है और चेतेश्वर पुजारा जो बाहर चल रहे थे उनकी भी इस टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। तो बात करेंगे भारतीय टीम की, जो 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेड्यूल की भी बात करेंगे। तो आइए नजर दौड़ाते हैं इसमें। रोहित शर्मा कप्तान बरकरार हैं और यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल की छुट्टी हुई है, चेतेश्वर पुजारा की वापसी हुई है, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर भी इस स्क्वाड में है, केएल राहुल विकेटकीपर, बल्लेबाज ईशान किशन की वापसी हुई है। एक और बड़ी खबर है, सरफराज खान पहली बार मौका मिला है इन्हें, रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर इस स्क्वाड में शामिल हैं, तो कुलदीप यादव एक और स्पिनर के रूप में, अक्षर पटेल भी नजर आ रहे हैं इसमें, और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी वापस आ रहे हैं चोट के बाद, मोहम्मद सिराज सबसे बेहतरीन जो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा को एक बार फिर से मौका मिला है। तो आइए अब नजर दौड़ाते हैं शेड्यूल पर। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के साथ 25 जनवरी से 29 जनवरी के बीच हैदराबाद में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से शुरू होगा, 6 फरवरी को तक खेला जाना है, विशाखापट्टनम में होगा, काफी लंबे समय बाद टेस्ट खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच 5 फरवरी से 19 फरवरी के बीच राजकोट में होगा। चौथा टेस्ट मैच रांची में होगा, जो 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच खेला जाना, और पांचवा टेस्ट मैच वो खेला जाएगा धर्मशाला में। ये शुरू होगा 7 मार्च से और 11 मार्च तक ये टेस्ट खेला जाएगा। ये तो ये है 5 टेस्ट मैचों का शेड्यूल जो भारत और इंग्लैंड आपस में भिड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब नज़र दौड़ाते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड पर, जो भारत आ रहे हैं। बेन स्टोक्स हैं जो इस टीम के कप्तान हैं, रेहान अहमद, जेम्स एंडरसन जिनका आखिरी टूर होगा भारत, गस एटकिंसन है, जॉनी बेरेस्टो हैं, जॉनी बेरेस्टो हमेशा भारत में बेहतर खेलते हैं, शोएब बशीर, हैरी ब्रूक्स, जैक कॉरोले है, बेन डकेत, बेन फॉक्स, टॉम हार्टली, जैक लीच जो स्पिन गेंदबाज हैं, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, जो रूट और मार्क वुड। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका आखिरी भारतीय दौरा हो सकता है इंग्लैंड की अगर बात करें तो। बड़ी ही तगड़ी ये सीरीज दोस्तों होने वाली है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। WTC पॉइंट्स टेबल के आधार पर ये सीरीज बहुत ही अहम होने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।